एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग के सामने। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है इसको। शुभम पेंटेड 2x3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। अपने रूम का दीवार जो है शुभम 2x3 पार्ट पेंट करता है। उसकी बहन हिज सिस्टर माधवी उसको मदद करती है और उस दीवार का 1x3 पार्ट माधवी पेंट करती है। हाउ मच डिड दे पेंट टूगेदर। तो दोनों मिलकर कितना पार्ट उस दीवार का पेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर देने से हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुभम पेंटेड इक्वल टू 2x3 एंड माधवी पेंटेड 1x3 पार्ट। तो दोनों कितना पार्ट पेंट करते हैं? बोथ पेंटेड, दोनों पेंट करते हैं 2x3 प्लस 1x3। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने से हम लोगों को मिलेगा, तो ऐड करते हैं इसको। नीचे में डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हम 3 लेते हैं। ऊपर में जो नंबर है सेम साइन के साथ लेते हैं, 2+3 इक्वल टू 3x3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 1 आएगा। तो 1 मतलब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पार्ट, द कंप्लीट वॉल, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के सामने और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे 7/10 दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ बीच में गैप है, इक्वल टू इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर डाला जाए कि यहाँ पे इतना फ्रैक्शन आ जाए। इसी तरह का बी नंबर, सी नंबर, इसमें एक एक फ्रैक्शन जो है मिसिंग है और उसको वहाँ पे राइट फ्रैक्शन डालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट मैंने लिया है, ए और बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या घटाया जाए कि इतना आ जाए। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो माइनस इतना लाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखते हैं। कोई भी आप एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 5 और यहाँ पे माइनस दिए और यहाँ पे 2 है और इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इस तरह का अगर दिया है, ये 2 हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, ये 5 में से 3 माइनस कर देंगे। 5 में से 3 माइनस करने पर हमको 2 मिल जाएगा, 5 - 3 = 2। तो ये नंबर यहाँ का नंबर मिल जाएगा हमको। तो इसमें से इसको, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा हम लोग को 7/10 - 3/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको इस तरह से 10 7 - 3 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4 हो जाएगा, 4/10। 4/10 यहाँ पे कटने वाला है, तो 4/10 यह कट रहा है तो इसको काट देते हैं। इस तरह से यहाँ पे 2 2 = 4 हो गया और 2 5 = 10 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, 2/5 या 4/10, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। ये आंसर, आंसर में ये दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं 2/5 ये हो गया। इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 है और इक्वल टू 3। इसको आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बतला दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मिसिंग नंबर है, 5 मेरे पास नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कि 5 आएगा। तो 2 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं, 2+3 = हमको 5 मिल जाता है। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसको ऐड कर देना पड़ेगा। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 3/21 + 5/21, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, लाइन लेते हैं और 21 फिर 3+5 = 8/21, ये तो कटने वाला है नहीं, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं इसको 8/21, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट और डी पार्ट है हम लोग के सामने, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट जो है मिसिंग है और इसमें से क्या घटाया जाए, कितना आ जाए। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि सपोज यहाँ 5 है मेरे पास और यहाँ पे 3 है और इक्वल टू यहाँ पे 2 है। तो ये पार्ट मिसिंग रहने से क्या होता है, इन दोनों पार्ट को अगर हम जोड़ देते हैं 3+2, तो हम लोगों को फर्स्ट पार्ट जो है मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को ऐड करना होगा, इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 3/6 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर सेम है, +3/6 तो इक्वल टू यहाँ पे 6 हो गया और 3+3 तो कितना हो गया, 6/6। तो 6 6 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आया। तो 1 का मतलब है कि 6/6 हम लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं, ये हो जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट डी है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा छोटा नंबर लेके समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 5 और यहाँ पे है 3,
तो कितना हो गया ये 8 हो गया। तो मेरे पास ये नंबर है और ये नंबर है, ये नहीं है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, इस 8 में से माइनस 3 करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। इसी तरह का फंडा इस भी लगाना है, तो इससे माइनस इसको करेंगे तो हम लोगों को यहाँ का नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 12 बाय 27 माइनस 5 बाय 27। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है कि ये आसानी से बनेगा। 27 लिख लेते हैं, 12 माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे 12 में से 5 7 हो गया, 7 बाय 27, तो ये कटने वाला नहीं है, 7 कटने वाला 27 नहीं आता है, तो फाइनली यही आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग इसको 7 बाय 27 भर देते हैं, ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 7 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के सामने और इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। जावेद को एक टोकरी से इतना पार्ट ऑरेंजेस दिया गया, 5/7 पार्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट। तो अब बास्केट में कितना पार्ट, कौन सा फ्रैक्शन बचा हुआ है, मतलब किसी भी चीज़ का कंप्लीट पार्ट कितना होता है। किसी भी चीज़ का कंप्लीट पार्ट 1 होता है, तो 1 में से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बास्केट में कितने ऑरेंजेस बचे हुए हैं, कौन सा फ्रैक्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कंप्लीट पार्ट ऑफ ऑरेंजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, कंप्लीट जो होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे गिवन पार्ट इक्वल टू हो जाएगा 5/7। तो यहाँ पे इसको यहाँ कर लेते हैं 5/7। अब लेफ्ट पार्ट कितना हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट, लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस जो कंप्लीट पार्ट है हमारे पास, 1 माइनस 5/7। इसको हम लोग को करने पर हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम 7/7 लिख सकते हैं। 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 इक्वल टू 7/7, सेम वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रख लेते हैं और इसी को लिखते हैं 7/7 माइनस, इससे क्या होगा कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 5/7, जिससे कि हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे लाइन लिए और 7 ले लेते हैं और ऊपर में जैसा है वैसा रख देते हैं, 7 माइनस 5 हो गया, तो कितना बच गया, 2/7। ये कटने वाला तो है नहीं, इसका मतलब है कि आंसर यही हो जाएगा, 2/7, इतना पार्ट बच गया ऑरेंजेस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों के लिए हमारा यह वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं हम लोग।